हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गिरिराज शर्मा फ्रॉम वात्सल्य शिशु हॉस्पिटल अजमेर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक्सीडेंटल इंजरीज इन चिल्ड्रन। सो आपने सुना होगा कि बहुत बार ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं कि बच्चा कुछ पी गया, कहीं से गिर गया और कहीं पे चोट लग गई बच्चे को। ये बहुत सारी एक्सीडेंटल इंजरीज होती है जो बच्चों में बहुत ही कॉमन होती है, और अपनी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और उसके बाद अपने पास रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं रहता। इसलिए अपने को बहुत ही ध्यान रखना होता है, और आज इन्हीं सभी एक्सीडेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 10 एक्सीडेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन बॉडी इंजेक्शन इन चिल्ड्रन, फॉरेन बॉडी इन रेस्पिरेटरी एयरवेज और ट्रेकिया। तो ये क्या होता है कि अपना जो एक खाने की नली और सांस की नली बिल्कुल पास पास होती है, जब अपन कोई भी खाना निगलते हैं तो सांस की नली में एक कैप होता है जो सांस की नली को बंद कर लेता है। बट चिल्ड्रन में क्या होता है कि ये मैकेनिज्म इतनी डेवलप नहीं होती है, तो कई बार क्या होता है कि निगलते टाइम वो जो भी अगर कोई छोटी दानेदार चीज है वो सांस की नली में चली जाती है। तो कोई भी अगर 5 साल से छोटा बच्चा है उसको कभी भी अपने को ये दानेदार चीजें कभी भी खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें, जैसे हो गई मूंगफली का दाना, चना, मटर, सुपारी, और कई बार देखा गया कि कोई बटन बैटरी जो होती है वो चली जाती है, ठीक है। कोई भी टॉयज के छोटे पार्ट्स होते हैं वो बच्चा निगल सकता है, कॉइन निगल सकता है, और वो कई बार सांस की नली में चला जाता है। और ये सांस की नली में जाने के बाद क्या करता है, सांस की नली को ब्लॉक कर देता है और सांस बिल्कुल आ नहीं पाता, एकदम से सांस में बहुत तेजी से दिक्कत हो जाती है, और उसको फिर इमिडिएटली हॉस्पिटल ले जाके उसको दूरबीन से या जिसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं उससे अपने को उसको निकालना पड़ता है, और ये कई बार बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी इन ट्रेकिया और रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो अपने को ध्यान रखना है कि कहीं भी छोटे बच्चों को ऐसी चीजें खाने को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमने देखा है कि इस केसेस में मोस्ट कॉमन होता है मूंगफली, सर्दियों में मूंगफली का होता है, कई बार सुपारी होती है, बच्चों को अचानक खांसी आती है और एकदम से वो सांस की नली में चला जाता है। तो सेकेंड पॉइंट है पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि बच्चा का, छोटे बच्चों में क्या होता है कि बच्चा में एक रिफ्लेक्स होता है कि वो किसी भी चीज को उठा के माउथ में लेता है या कुछ भी चीज को ड्रिंक करने की कोशिश करता है, नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है इसमें। तो कई बार बच्चे हमारे पास, बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चा कभी कुछ खा गया या कुछ पी गया। जैसे क्या क्या केसेस हमारे पास आते हैं, बच्चा केरोसिन पी गया, बच्चा ऑल आउट या गुड नाइट पी गया, बच्चा कोई फिनाइल पी गया, कई बार एसिड पी गया बच्चा, कोई भी हमने छोड़ दिया कि बच्चा कोई पेस्टिसाइड इंसेक्ट किलर था, जो कई बार खेतों में डालने वाले जो पेस्टिसाइड्स होते वो रख दिया, तो वो कई बार बच्चा पी जाता है, और ऐसे केसेस बहुत सारे हमारे पास आते हैं। तो ये क्या पॉइजनस होते हैं बहुत सारे केस इनमें, तो उसमें बच्चे को पॉइजनिंग हो जाती है। तो इनसे बचने के लिए अपने को क्या करना है कि कभी भी ऐसे जो भी हार्मफुल, जो भी पॉइजनस, जो भी ये लिक्विड्स होते हैं उनको कभी भी चिल्ड्रन की रीच से बाहर रखना चाहिए, मतलब या तो बहुत हाइट पे रखना चाहिए, अगर किसी घर में अपने बच्चे हैं तो उनसे बिल्कुल दूर रखना चाहिए, जहां बच्चे का हाथ पहुंच ना सके, गलती से भी नीचे नहीं छोड़ना देना। दिवाली के टाइम में कई बार पेंट वगैरह होता रहता है, तो वहां पे नीचे जैसे कोई तारपिन का तेल होता है, कुछ ऑयल्स होते हैं वो नीचे छोड़ देते हैं, उनको बच्चा गलती से पी जाता है, तो उसका बहुत ध्यान रखना होता है। ऑल आउट को भी या तो बहुत हाइट पे लगाना चाहिए या नीचे बिल्कुल रखना, नीचे ऑल आउट के भी इंजेक्शन के काफी केसेस आते हैं। और अगर कोई बच्चा कुछ पी भी गया तो कई बार पेरेंट्स कुछ होते हैं कि उसको उल्टी करवाने की कोशिश करते हैं, तो सभी केसेज में अपने को उल्टी नहीं करवानी होती है। कुछ केसेज ऐसे होते हैं जैसे हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग होते हैं, ऑल आउट, केरोसिन, इनमें अपने को उल्टी नहीं करवानी होती है, उसको इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना होता है, वहां पे उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो करना होता है, क्योंकि केरोसिन और इनमें से अगर एक ड्रॉप भी अगर लंग्स में चली जाती है तो निमोनिया करती है और वो बहुत ही सीवियर कई बार हो जाता है। तो अपने को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, इन सबसे बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। तो थर्ड पॉइंट है ड्राउनिंग। सो हमारे पास कई बार बहुत सारे छोटे बच्चे आते हैं ड्राउनिंग के साथ, क्योंकि पानी में गिर गया बच्चा, पानी में डूब गया, और कई बार बहुत सीरियस होके आते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, कभी भी बच्चों को बाथरूम में अकेला नहीं छोड़ना है, बाथरूम में बाल्टी या टब को भरा हुआ नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई बार भरी हुई आधी बाल्टी में बच्चा उल्टा गिर जाता है और ड्राउनिंग हो जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए।
और सेकंड क्या करना, अगर किसी के घर में स्विमिंग पूल है तो उसको कंप्लीटली चारों तरफ से उसमें रेलिंग होनी चाहिए, और उसका जो भी डोर है वो ऑटोमेटिक क्लोजर होना चाहिए। कई बार अगर डोर खुला रह गया और बच्चा उसमें क्रॉलिंग करते और यहाँ चल के भी उसमें गिर सकता है, ये भी केसेस कई बार देखे गए। सो बाथरूम में ध्यान रखना है, स्विमिंग पूल का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, फॉल फ्रॉम हाइट। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि बच्चा ऊपर से गिर गया, या छत से गिर गया, या सीढ़ियों से गिर गया, या फिर कहीं बेड से गिर गया। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, एक बार हम जिस घर में भी बच्चा है उसमें अगर हम ऊपर वाली फ्लोर पे रहते हैं तो उस फ्लोर की रेलिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए, कहीं से भी रेलिंग बिना रेलिंग के होना नहीं चाहिए। रेलिंग में भी होती है, उसमें रेलिंग में जो ग्रिल्स होती है वो हॉरिजॉन्टल नहीं होनी चाहिए, वर्टिकल ग्रिल्स होनी चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्रिल्स में क्या होता है कि बच्चा उसमें चढ़ के और फिर कई बार गिर सकता है। तो वर्टिकल ग्रिल्स होनी चाहिए रेलिंग में, और जो गैप होता है वो भी गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए कि छोटा बच्चा उसमें निकल सके, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। विंडोज, अगर किसी रूम की विंडोज है उनको क्लोज रखना चाहिए, उसमें भी ग्रिल्स होनी चाहिए, विंडोज खोल के बच्चा गिर नहीं जाए उसके लिए उसमें ग्रिल्स होनी चाहिए और विंडोज को लॉक करके रखना चाहिए। देन क्या करना है, एक जो स्टेयर्स होती है सीढ़ियां होती है, कई बार बच्चा उसमें क्रॉल करते हैं या वॉकर के साथ बच्चा जाके सीढ़ियों में भी गिर सकता है, इसलिए स्टेयर्स का जो गेट, स्टेयर्स का जो एंट्री पॉइंट है उस पर भी गेट लगा हुआ होना चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं, जैसे बेड से भी कई बार बच्चे गिर जाते हैं, तो बेड पे भी बच्चे को बीच में रखना चाहिए, साइड में नहीं रखना चाहिए, और बेड पे भी अगर कोई रेलिंग लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। अगर बच्चा गिर गया तो अगर उसमें सिर में चोट लग जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, और लाइफ टाइम के लिए बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना। फिफ्थ पॉइंट, बर्न इंजरीज। बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे जल जाते हैं, कई बार बच्चे पे गर्म पानी गिर गया, दूध गिर गया, चाय गिर गई, और बच्चे को कई बार बहुत ज्यादा जल जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, ये सब एक्सीडेंट्स मोस्टली किचन में होते हैं, तो बच्चों को किचन से दूर रखना चाहिए। किचन कभी भी ग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर एक हाइट पे प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि वहां पे बच्चे का हाथ नहीं पहुंचते। कई बार क्या होता है कि अगर नीचे ही किचन नीचे है और नीचे अगर कुछ पानी गर्म हो रहा है तो बच्चा उसमें जाके हाथ डाल देता है या उसको खींच लेता है और उस पर गिर जाता है, तो इसलिए हाइट पे होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, और बच्चों को दूर रखना चाहिए किचन से। सेकेंड क्या करना है, जैसे हम घर पे अगर प्रेस कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, तो उसमें भी उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए, कई बार उसको हम छोड़ के चले गए और बच्चे ने टच कर दिया, उससे भी बर्न के केसेस देखे गए हैं। और अगर चाय सप्लाई करते टाइम, दूध ले जाते टाइम अपने ध्यान रखना है, किसी से कई बार होता है कि उससे कोलिजन होके वो गिर गया और बच्चे के ऊपर गिर गया, उसका बहुत ध्यान रखना है। चाय पीते टाइम बच्चा गोद में है उस टाइम गिर गया, उससे भी कई बार केसेस देखे गए बर्न के, तो इनका अपने को ध्यान रखना। सिक्स्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट के भी कई बार केसेस हमारे पास आते हैं, और उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है वो बहुत नीचे होता है, तो बच्चे कई बार उसमें फिंगर डाल देते हैं या और कुछ मेटल का कुछ भी इंसर्ट कर देते हैं, उससे उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं वो एक हाइट पे होने चाहिए ताकि बच्चे के वहां तक हाथ नहीं पहुंच सके, और अगर नीचे है तो चाइल्ड प्रूफ होने चाहिए ताकि उसमें कुछ बच्चा इंसर्ट नहीं कर सके। सेकेंड, अगर कोई भी घर में कोई वायर्स है वो खुले नहीं होने चाहिए ताकि उसको बच्चा टच ना कर सके, सभी वायर्स क्लोज या हाइट पे होने चाहिए, तो इसका ध्यान रखना आपने। सेवंथ पॉइंट है, इंजरी फ्रॉम फर्नीचर। सो अपने घर में जो फर्नीचर होता है उससे भी कई बार बच्चों को चोट लग जाती है और वो केसेस हमारे पास आते हैं। कई बार अगर कोई फर्नीचर रखा है वो स्टेबल होना चाहिए, अगर वो हिल रहा है बच्चा उसको जाके उस पे अगर मार रहा है वो बच्चे पे गिर भी जाते हैं, ऐसे भी केसेस आए। और कई बार बच्चा अगर गिर गया तो जो शार्प कॉर्नर्स ऑफ टेबल के, बेड के, उसके शार्प कॉर्नर्स है उनसे बच्चे के सिर में चोट लग गई और कई बार स्टिचेस भी आते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी बच्चे के जो भी फर्नीचर है उसके जो कॉर्नर्स में कॉर्नर प्रोटेक्टर लगाने चाहिए, जो पैडेड प्रोटेक्टर्स होते हैं उसमें कॉर्नर प्रोटेक्टर जरूर लगाने चाहिए ताकि बच्चा गिरे तो भी उसमें उसको ज्यादा चोट ना लगे। एट्थ पॉइंट, फायर एक्सीडेंट्स। सो
अपने को छोटे बच्चे अगर किसी घर में है तो उनसे माचिस को, अगरबत्ती को, मोमबत्ती को, इन सब चीजों से दूर रखना चाहिए, उनको हाइट पे रखना चाहिए, बच्चे की रीच से दूर रखना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने माचिस जला रहे हैं या अगरबत्ती जला रहे हैं तो बच्चे भी उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और अगर अपनी एब्सेंस में कई बार बच्चे माचिस से अगरबत्ती कुछ जलाता है तो फायर एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उससे अपने को बच्चों को दूर रखना। नाइन्थ पॉइंट है इंजरी फ्रॉम टॉयज। सो बच्चे के जो भी खिलौने होते हैं उस खिलौनों को अपने सेफ टॉयज चूज करना है, खिलौनों को ऐसे देख के चूज करना है अपने को ताकि उससे कोई इंजरी तो नहीं हो जाए। सो कई बार क्या होता है कि खिलौने के कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं वो निकल जाते हैं और बच्चा उनको निगल जाता है, तो कोई भी छोटे पार्ट्स जो निकल सकते हैं ऐसे टॉयज नहीं लेने हैं। खिलौनों में कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, कई बार लेड की उन पे पॉलिश होती है, लेड वाले टॉयज होते हैं, क्रेयॉन्स होते हैं, उनको बच्चा मुंह में ले लेता है वो भी पॉइजनस होते हैं, या कुछ भी जो ये सॉफ्ट टॉयज होते हैं उनके फर्स होते हैं वो एलर्जिक हो सकते हैं, कई बार टॉयज में कोई मैग्नेट होती है, मैग्नेट बच्चा निगल जाता है और वो काफी प्रॉब्लम कर देता है। तो या टॉयज में कोई शार्प पॉइंटेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि बच्चे के उससे लग ना सके, तो टॉयज को अपने को परचेज करते टाइम इन चीजों का ध्यान जरूर रखना। सो फाइनल टेंथ पॉइंट, सो इन सभी चीजों का अपना बहुत ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स को अपने को प्रिवेंट करना है, और फिर भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, तो एक्सीडेंट हो भी जाए तो उसको इमिडिएटली मैनेज करने के लिए अपने को क्या करना है, घर में सभी को एक बेसिक CPR की ट्रेनिंग देके रखनी चाहिए। सो इमिडिएटली अगर कोई इतना मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेसिक CPR सभी घर में सबको आना चाहिए। सेकेंड, अगर कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो सभी घर पे सबको बता के रखना चाहिए कि इमीडिएटली बच्चे को कहां पे लेके जाना है, इमरजेंसी में कौन से हॉस्पिटल में इमीडिएटली लेके जाना है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो, उसको फोन करके पूछना नहीं पड़े कि ऐसा हो गया कहां पे लेके जाए, तो इमीडिएटली उसको बच्चे को तुरंत ही उस हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, सबको बता के रखना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स थे जिससे हम बच्चे को मेजर एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, तो इनका अपने को बहुत ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।